नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर के स्पेशल रिपोर्ट में। अमेरिका में बांग्लादेशी हिंदुओं ने अपने मूल देश में अल्पसंख्यक समूह के सदस्यों को निशाना बनाकर की जा रही हिंसा के खिलाफ विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि धार्मिक मतभेद उनके लिए अस्तित्व का संकट पैदा करते हैं। दरअसल बांग्लादेश में 13 अक्टूबर से हिंदुओं पर हमले जारी हैं। पहले अलग अलग जगहों पर दुर्गा पंडालों को निशाना बनाया गया और हिंदुओं पर हमला किया गया। इसमें 4 हिंदुओं की मौत हो गई थी, वही 60 से ज्यादा घायल हो गए थे। इसके बाद इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ की गई। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। बांग्लादेश के 20 जिलों में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर किए गए हमले में अब तक कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है और 70 अन्य घायल हो गए हैं। इस दौरान 70 से ज्यादा पूजा स्थलों को निशाना बनाया गया और करीब 20 घरों में आग लगा दी गई। इस मामले पर कार्रवाई करते हुए अब तक 78 केस दर्ज किए जा चुके हैं और 450 संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अमेरिका ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लोगों पर हाल में हुए हमलों की घटनाओं की निंदा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, धर्म चुनने की आज़ादी मानव अधिकार है। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म या आस्था को मानने वाला हो, उसका अपने अहम पर्व को मनाने के लिए सुरक्षित महसूस करना जरूरी है। विदेश मंत्रालय बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लोगों पर हाल में हुए हमलों की घटनाओं की निंदा करता है। अमेरिका में बांग्लादेश के दूतावास के बाहर बांग्लादेशी हिंदू समुदाय के लोगों ने दुर्गा पूजा के दौरान पूजा पंडालों में की गई तोड़फोड़ के विरोध में रविवार को प्रदर्शन भी किया था। अमेरिका के हिंदू अधिकार समूह हिंदू पैक्ट के कार्यकारी निर्देशक उत्सव चक्रवर्ती ने कहा, ये देखना खास तौर पर भयावह है कि नोखाखाली में बसे हिंदुओं पर इस तरह के हमले हो रहे हैं। बता दें, हाल में संपन्न दुर्गा पूजा के समारोह के दौरान मंदिर में तोड़फोड़ की घटनाओं के खिलाफ अल्पसंख्यक समुदाय के विरोध के बीच रविवार देर रात सोशल मीडिया पर कथित निंदा वाले पोस्ट को लेकर बांग्लादेश में भीड़ ने 66 मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया और हिंदुओं के कम से कम 20 मकानों में आग लगा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया खबर लाइव।